हाय दोस्तों दोस्तों हमारे पास में है अशोक लेलैंड की यूट्रक 2523 टिप पर। और दोस्तों इसमें क्या लोडिंग का प्रॉब्लम आ रहा था और वाइट स्मोक आ रहा था, तो हमने इसका दोस्तों पंप इंजेक्टर खोल करके सर्विस करवाया है। और सर्विस करने के बाद दोस्तों हमने इसको फिटिंग किया है। तो हमने छोटा सा एक वीडियो कैप्चर किया है जो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और वो दरअसल है टाइमिंग के बारे में। अगर पूरा डिटेल के साथ में अगर वीडियो चाहिए तो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन किसी और दिन मैं उसके पूरे पाइपलाइन के साथ में इंजेक्टर फिटिंग के साथ में पूरा वीडियो कंप्लीट बनाकर अपलोड कर दूंगा। बट दोस्तों मैंने इसमें सिर्फ पंप फिटिंग कैसा करना है और पंप की टाइमिंग क्या है, इंजन की टाइमिंग क्या है, सिर्फ ये बताया है। बहुत छोटी सी वीडियो है, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल मैकेनिक अंकल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ है पंप, और पंप के गियर के ऊपर कोई मार्क नहीं है दोस्तों। पंप के बॉडी के ऊपर एक प्लग लगा हुआ है, उसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं दोस्तों इसमें एक मार्क रहता है। चलिए मैं थोड़ा सा फ़ोन का लाइट जलाकर हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों जो रोटर है, रोटर के ऊपर एक डॉट दिख रहा है, देख सकते हैं वो डॉट इस जो पंप का बॉडी है इसके सेंटर पोजिशन में होना चाहिए। पंप फिटिंग करते समय आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसमें गियर वेयर में कोई मार्क नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, चलिए हम इंजन के पास चलते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इंजन को घुमा घुमा कर एक नंबर और दो नंबर वाल को फ्री कर लेना है, और 11 नंबर वाल एकदम पुश रॉड फ्री रहेगा, 12 नंबर वाल जाम रहेगा, और दोस्तों 3 नंबर और 6 नंबर वाल जो है पूरा का पूरा दब के हल्का सा उठेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम कि फ्लाईव्हील के ऊपर मार्क कौन सा आया है। तो पहले तो फ़ोन का लाइट जला लेते हैं क्योंकि प्रॉपर दिख नहीं रहा है, और थोड़ा जूम करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों जूम करने के बाद में 1 और 6 दिख रहा है, जो कि फ्लाईव्हील का मार्क आ चुका है। और ये रहा हमारा इंजन का टाइमिंग, और पंप का टाइमिंग हमने आप लोगों को बता दिया है। अब दोस्तों इसके बाद में हमको पंप को फिटिंग करना है। तो दोस्तों पंप को फिटिंग करने के लिए कुछ नहीं, एकदम इजीली फिटिंग कर देना है। और फिटिंग करने के बाद में दोस्तों आपको उस प्लग को खोलकर देखना है कि जो प्रॉपर डॉट जो है पंप का वो आया है या नहीं। अगर नहीं आया तो फिर से दोबारा उसको उसी डॉट के ऊपर लेके आना है, और उसके बाद में पंप को फिटिंग कर देना है। और पंप को फिटिंग करने के बाद दोस्तों पांचों बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।